हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश कुमार और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके यहाँ पर तुरंत सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे ऑल जरूर सेलेक्ट करें ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप उन वीडियोज़ का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, चलिए देखते हैं उसको। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो क्लास 8 का इंग्लिश का बुक है और इस बुक का नाम था डैफोडिल और उसका 8A जो चैप्टर था हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 8B, जो कि ये भी बहुत ही खासा एक चैप्टर है, पोएम है ये डियर स्टूडेंट्स। तो मैं कोशिश करूँगा इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मतलब समझाने का और आप भी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए बहुत ही आसानी से। बहुत ही आसान सा चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल भी ज़्यादा सीरियस होने का ज़रूरत नहीं है। बस मैं जैसे बताते जाता हूँ आप उसको ऐसे ही समझने का कोशिश करें, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का जो है चैप्टर हम उसे शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर 8B जो है उसका नाम देखिए क्या है, बेबी एट ए माइक्रोचिप। आपने माइक्रोचिप अवश्य देखा होगा। माइक्रोचिप क्या होता है, आपको पता ही होगा कि आपका फ़ोन में जो माइक्रोचिप रहता है जिसमें हम लोग खास करके मेमोरी कार्ड भी कह सकते हैं या तो फिर हम क्या कह सकते हैं, जो प्रोसेसर होता है ना। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है कि एक बेबी है, एक बच्चा है, उसने ऐड कर लिया मतलब कि खा लिया। क्या खा लिया? माइक्रोचिप। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में या मोबाइल में माइक्रोचिप डालते हैं तो उसमें बहुत सारा गाना होता है, बहुत सारा वीडियोज होता है, फोटोज़ होता है ना। तो हम लोग कंप्यूटर में या मोबाइल में वो सारे जो वीडियोज़ या जो भी फाइल्स था उस मेमोरी कार्ड में हम लोग उसको खोल कर देख सकते हैं ना। सेम उसी तरह से यहाँ पर है कि एक बच्चे ने जो है, एक बच्चे ने माइक्रोचिप को खा लिया, उसके बाद उसके साथ क्या होता है। ठीक है, ये एक मतलब काल्पनिक सा पोएम है जो कि लिखा गया है, देखिए यहाँ पर नील लेविन के द्वारा। याद रखें इसे डियर स्टूडेंट्स, नील लेविन के द्वारा इस पोएम को लिखा गया है। ये पोएम जो है एक काल्पनिक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डीपली सोचने का जरूरत नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ये एक काल्पनिक पोएम है। काल्पनिक मतलब कि बस दिमाग से कल्पना किया है। किसने? ये नील लेविन ने। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ वर्डिंग्स लिखा हुआ है, इसे आप नोट कर लें अपना कॉपी में ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में और ज़्यादा आसान मतलब हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसका जो शुरुआत है। बिफोर यू रीड पहले पढ़ते हैं पढ़ने के पहले वाला। ठीक है, व्हाट डज ए बेबी लव टू ईट और ड्रिंक। आप जानते हैं कि कोई बच्चा जो है वो क्या पसंद करता है, क्या? खाने और पीने में। खाने और पीने में बच्चे क्या पसंद करते हैं, हम लोग हर कोई जानते हैं इस चीज़ को, है ना। बच्चा चॉकलेट खाना पसंद करता है, कोई माइक्रोचिप तो खाना पसंद नहीं करता है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा जो है वो माइक्रोचिप खा खा के जीवित रह रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कोई बच्चा जो है वो क्या खाना पसंद करता है, क्या पीना पसंद करता है, हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। व्हाट विल हैपन इफ ए बेबी स्वेलोज ए माइक्रोचिप। क्या होगा यदि कोई व्यक्ति स्वेलो कर लेता है। स्वेलो मतलब क्या होता है, निगलना। ठीक है, क्या निगल ले? माइक्रोचिप। यदि कोई बच्चा माइक्रोचिप को अगर निगल जाए या खा जाए अपने पेट में, मतलब कि निगल के अपने मुँह से अंदर ले जाए पेट के अंदर, तो क्या होगा। ठीक है, इन दिस पोएम द पोएट लेट्स हिम इमेजिनेशन रन वाइल्ड एंड टॉक्स ऑफ ऑल दैट कैन हैपन आफ्टर दैट। इस कविता में जो है पोएट, ठीक है, वो कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, उनके दिमाग में बहुत सारी काल्पनिक बातें दौड़ती हैं और चलती हैं। ठीक है, उसी के बारे में बताता है कभी हम लोगों को कि मेरा दिमाग में क्या क्या आता है, मैं वो बताता हूँ कि कोई बच्चा अगर माइक्रोचिप खा लेगा तो उसके साथ क्या होगा। जैसे कि हर किसी का, अगर मान लीजिए मैं आप ही से पूछूं, ठीक है, कि कोई बच्चा अगर माइक्रोचिप खा लेगा तो आप बताइए कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप अपना जवाब जरूर देंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पे जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो कवि अपने हिसाब से जवाब दिए हैं इसी सवाल का। तो चलिए देखते हैं, इस पोएम को शुरुआत करते हैं और समझते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो पहला लाइन देखते हैं, बेबी एट ए माइक्रोचिप देन ग्रैब्ड ए बॉटल एंड टू के सिप। यानी कि एक बच्चा है, उसने माइक्रोचिप को क्या कर लिया, मुंह में रख लिया, खा लिया। देन ग्रैब्ड ए बोतल, उसके बाद उस बच्चे ने एक बोतल को पकड़ा। ठीक है, किसका बोतल? पानी का बोतल। एंड टू के सीप, और जिस तरह से हम लोग दवाई खाते हैं ना दोस्तों, मुंह में कोई टेबलेट रख लेते हैं और उसके बाद पानी लेते हैं और पानी के साथ फिर उस दवाई को अंदर निगल लेते हैं, सेम इसी तरह से इस बच्चे ने किया है। उस बच्चे ने माइक्रोचिप को खा लिया। ठीक है, और उस बच्चे ने जब मतलब कि जब बच्चा माइक्रोचिप खा लेगा तब देखिए उस बच्चे ने क्या किया कि उसने एक बोतल में पानी भरा हुआ था, उस पानी को, पानी का बोतल को लिया और उसने अपना मुंह में थोड़ा सा पानी लिया और उसने क्या किया, सिप लिया। सिप मतलब चुस्की के साथ उस
माइक्रोचिप को खा लिया, निगल लिया। ही स्वेलोड इट एंड मेड ए बीप। और जब उस बच्चे ने उस माइक्रोचिप को, ठीक है, खा लिया, अपने पेट के अंदर डाल लिया मुंह से, ठीक है, तब उस बच्चे के मुंह से एक आवाज़ आया, जो आवाज़ था ए बीप। बीप का आवाज़ आपने ज़रूर सुना होगा, जब कोई बाइक वगैरह चल रहा होता है तो उसका जो सायरन होता है ना, बीप बीप, यानी कि सी सी जो आवाज़ करता है इंडिकेटर वगैरह, वही आवाज़। यानी कि वो बच्चा जब माइक्रोचिप खा लेता है तो वो बच्चा का मुँह से एक आवाज़ आता है बीप जैसा, ठीक है। एंड नाउ ही इज थिंकिंग प्रीटी डीप। अब ये बच्चा जो है बहुत ही गहरी सोच में डूब जाता है। यानी कि जब वो बच्चा, कवि के हिसाब से कवि कहते हैं कि यदि वह बच्चा अगर खा लेगा माइक्रोचिप, ठीक है, तो वो बच्चा जो है उसका मुंह से बीप का आवाज़ निकलेगा और वो बहुत ही गहरी सोच में डूब जाएगा, ठीक है। और वो जो बच्चा है, ही इज़ डाउनलोडिंग हिज एबीसीज। यानी कि वह बच्चा जो है वो ABCD सीखना भी शुरू कर देगा, ABCD डाउनलोड करना शुरू कर देगा अपना बॉडी में, यानी कि सीखना शुरू कर देगा। एंड कैलकुलेटिंग 1, 2, 3s, यानी कि वो बच्चा जो है 1, 2, 3 भी गिनती करना शुरू कर देगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई बच्चा, कवि के हिसाब से कोई बच्चा अगर माइक्रोचिप को खा लेता है तो वो बच्चा जो है उसका मुँह से आवाज़ निकलेगा, किस तरह का आवाज़, बीप, ठीक है, और बहुत ही गहरी सोच में भी डूब जाएगा और ABCD डाउनलोड करना शुरू कर देगा और 1, 2, 3 गिनती करना शुरू कर देगा। किसके हिसाब से? कवि के हिसाब से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए, ही इज मेमोराइजिंग यूजलेस फैक्ट्स। ये जो बच्चा है जब माइक्रोचिप खा लेगा तो वो बच्चा जो है याद करना शुरू कर देगा, मेमोराइज करना। मेमोराइजिंग मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, याद करना किसी चीज़ को, ठीक है, वो यानी कि याद करना शुरू कर देगा यूजलेस फैक्ट्स को, यानी कि बेकार बेकार सी बातों को याद करना शुरू कर देगा। कब? जब वह, जब उसके पिताजी इनकम टैक्स के बारे में क्या कर रहे होंगे, मतलब देख रहे होंगे अपने सारे पुर्जे कि मेरा इनकम टैक्स इस बार कितना जमा करना होगा। तो देखिए कहता है, वाइल डूइंग डैडीज इनकम टैक्स, यानी कि जब उसके पिताजी, ठीक है, वो बच्चा जो है जब खा लेगा माइक्रोचिप तो उसके पिताजी जब अपना इनकम टैक्स के बारे में जब गिनती कर रहे होंगे तो वो बच्चा जो है उसका दिमाग में तरह तरह का बेकार बेकार सी बातें घूम रही होगी, ठीक है। ही इज, यहाँ देखिए, ही इज प्रोसेसिंग एंड नाउ ही थ्राइव्स ही ऑन फीडिंग हीज इंटरनल ड्राइव्स। क्या कहता है, ये बच्चा जो है जब जब उसके पापा इनकम टैक्स के बारे में गिनती कर रहे होंगे कि कितना पैसा उसे चुकाना है, उसी समय वह बच्चा जो है एकदम बहुत ही डीपली सोच समझ के, एकदम बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गया होगा और उसको हल करने का कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। ही इज थ्रोइंग फीट्स एंड नाउ ही फाइट्स विथ रूथलेस बीट्स एंड टूथलेस बाइट्स। देखिए दोस्तों क्या कहता है, ये बच्चा जो है अगर बच्चा अगर खा लेगा माइक्रोचिप तो वो बच्चा जो है बिना पैर का, ये देखिए कहता है, थ्रोइंग फीट्स एंड नाउ ही फाइट्स, यानी कि वो बच्चा जो है वो अपने मतलब कि लड़का, वो बच्चा जो है वो लड़ना शुरू कर देगा। जिस तरह से कोई कंप्यूटर में हम लोग अगर कुछ काम करना चाहते हैं, वीडियोज़ वगैरह प्ले करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, तो उस काम को करते हैं जब हम लोग, तो होता क्या है कि वो कंप्यूटर जो है तुरंत एकदम धड़ाधड़ लड़ना शुरू करता है और अपना काम को करना शुरू कर देता है। जस्ट उसी तरह से कवि कहते हैं कि उसी तरह से ये बच्चा जो है जब माइक्रोचिप खा लेगा तो बच्चा जो है लड़ाई करना शुरू कर देगा, खुद में लड़ेगा बिना किसी दांत का और बिना किसी मतलब कि बीट्स का, यानी कि कंप्यूटर में बीट्स होता है दोस्तों, ठीक है, जिसके मदद से कंप्यूटर जो है हमारी भाषाओं को या हमारी बातों को समझ पाता है, ठीक है। यानी कि वो बच्चा जो है समझने का कोशिश करने लगेगा, खुद में वो लड़ना शुरू कर देगा। ही मस्ट बी फीलिंग वेरी स्मग, और वह बच्चा जो है खुद में बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा होगा। स्मग मतलब होता है खुशी होना, ठीक है, और फीलिंग मतलब महसूस करना, इसकी यानी कि उस बच्चा को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा होगा। बट होल्ड ऑन बेबी काउट ए बग, लेकिन रुको रुको रुको, ठीक है, बच्चा जो है अचानक से एक बग देखेगा। बग मतलब कि जिसको हम लोग कंप्यूटर में कहते हैं ना कि वायरस आ गया है, वही वाला वायरस, ठीक है, वो बच्चा अचानक से वायरस देखेगा। एंड अटेम्प्टिंग टू रिबूट इन हेस्ट, और वह बच्चा जो है बहुत ही तेज़ी से, हेस्ट मतलब एकदम बहुत ही जल्दी से, ठीक है, बहुत ही जल्दी से वो बच्चा जो है कंप्यूटर को, यानी कि खुद को रिबूट करने का कोशिश करेगा, फिर से खुद को स्टार्ट करने का कोशिश करेगा, लेकिन एक्सीडेंटली ही गॉट इरेज्ड। लेकिन वह बच्चा जो है, ठीक है, बाय मिस्टेक से वह जो है खुद की सारी बातों को भुला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो कविता है ये नील लेवी ने इसलिए लिखा है, ठीक है, क्योंकि वह कुछ संदेश देना चाहते हैं हमें। क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लास में आपके टीचर्स आपको याद करने के लिए कहते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर हो या पोएम हो या वर्ड मीनिंग हो, ठीक है, या कुछ भी हो, कंट्रीज का नेम हो, ठीक है,
तो उन सारी चीज़ों को आपको खुद से याद करना चाहिए। ऐसा कोई उपाय नहीं होता है टीचर्स के पास जिसके मदद से टीचर क्या करे कि एक माइक्रोचिप में डाल दिया। जैसे कि मान लीजिए आपको मोबाइल में गाना सुनना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपना मेमोरी कार्ड में गाना डालेंगे और उस मेमोरी कार्ड को अपना मोबाइल में डालेंगे और मोबाइल में गाना हो जाएगा क्या, प्ले। सेम उसी तरह से यहाँ पे इंसानों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है कि मान लीजिए बच्चों को मंथ्स नेम याद कराना है या वीक्स नेम याद कराना, यानी कि सप्ताह का नाम संडे मंडे, ठीक है, या 1, 2, 3, 100 तक काउंट कराना है, गिनती कराना है, तो उस बच्चे के अंदर एक मेमोरी कार्ड डाल दें और वो बच्चा करना शुरू कर दे, 1, 2, 3 काउंटिंग, एप्पल से जेबरा तक सीख जाए वो, यानी 1 से 100 तक सीख जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यही ये कवि कहना चाहते हैं हमें नील लेविन कि जब भी आपको क्लास में क्लास वर्क दिया जाए, होमवर्क दिया जाए, तो आप उसे खुद से करें, ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई मशीन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है पोएम इतने में ही ख़त्म होता है। इन वर्ड मीनिंग को आप ज़रूर नोट कर लें, आपको क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ही मदद मिलेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आ गया है, और मैं आगे का इसका ये जो नेक्स्ट वीडियो इसका बनेगा वो 8A और 8B दोनों चैप्टर का बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ लें, क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं कल ही अपलोड करूँगा, तो आप इस पोएम को बार बार रिपीट करके देख लें, याद हो जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा सारा मैटर। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप, अगर आपको पसंद आया है या अच्छा लगा, समझ में आया अच्छा, तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी जो हैं आप अच्छा खासा इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें, और उनसे सब्सक्राइब भी करने को उन्हें सजेस्ट करें इस चैनल को। इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूंगा उन्हें तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और उन वीडियोस का वो अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकेंगे। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़े रहें और बने रहें और पढ़िए ध्यान से। आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें अपने प्रॉब्लम को, मैं ज़रूर उसके ऊपर अमल करूँगा। तो आज का वीडियो में बस इतना ही।